नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आप देख रहे हैं पांच की आंच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और आज सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। छिंदवाड़ा सबसे बड़ी हॉट सीट, कमलनाथ के गढ़ में शाह ताल ठोकेंगे। उधर बात करेंगे उन सीटों की जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा हैं। बात होगी ऐसे प्रत्याशी की जो चुनाव लड़ने के लिए अपने पशुओं को बेच रहा है। बात उस मौलाना की जिसने महिला के साथ दरिंदगी की। साथ ही बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसका भी अपडेट देंगे। तो शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा की खबर के साथ, जहां छिंदवाड़ा की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस बार साख की लड़ाई है। बीजेपी जहां छिंदवाड़ा में जीत के इरादे से उतरी है, तो वहीं कमलनाथ के सामने वर्चस्व की लड़ाई है। राजनीति के जानकार तो उसे अस्तित्व की लड़ाई तक बता रहे हैं। अमित शाह कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह का फोकस इस बार मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत का है। यानी छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए शाह की रणनीति तैयार है। उधर एक वायरल वीडियो के बाद से कमलनाथ मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। छिंदवाड़ा की जंग हो गया खेला। नाथ का गढ़ अब की बार खिलेगा कमल। कमल खिलने वाला है, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से। वीडियो का बवाल, मुश्किल में कमल, ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा। क्या नाथ से छिन जाएगा छिंदवाड़ा? मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट जहां कांग्रेस का कब्जा है, इस बार बीजेपी का पूरा फोकस इसी सीट पर है। केंद्र से लेकर प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह बीजेपी के केंद्र में छिंदवाड़ा है। सीएम मोहन ने दावा किया है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल खिलने वाला है। सबका सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री छिंदवाड़ा सायंकाल आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहाँ लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है, हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से, और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहां भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा। उधर एक कथित वायरल वीडियो को लेकर कमलनाथ मुश्किल में दिख रहे हैं। कल पुलिस पूछताछ के लिए कमलनाथ के घर पहुंची थी। पुलिस ने कमलनाथ के पीए को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, साथ ही एक पत्र को हिरासत में लिया गया है। उधर वायरल वीडियो को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर धन बल का उपयोग करने के आरोप लगाए हैं। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को की जांच करना, ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुल्ला नाच, नंगा नाच। इस बार कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा की डगर आसान नहीं लग रही है। जमीनी स्तर के नेता बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। एक तरफ कमजोर संगठन, दूसरी तरफ वायरल वीडियो। छिंदवाड़ा में जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो क्या छिंदवाड़ा की लड़ाई इतनी आसान रहने वाली है, ये बड़ा सवाल। राकेश करमेले संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम चर्चा भी करेंगे। और जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया, इस रिपोर्ट में भी आपको बताया कि हॉट सीट दरअसल छिंदवाड़ा हो गई है। 29 में जो एक बाधा थी वो जो है वो छिंदवाड़ा ही थी। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, अमित शाह तमाम जगह पर ध्यान देते हैं, सभाएं उनकी एक लंबा सिलसिला चलता है, पर छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वक्त अब वो बिताने वाले हैं। इसका मतलब ही है कि पूरे देश की रणनीति घूमकर छिंदवाड़ा की तरफ। राजेश, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये जब दौरा तय हुआ तब ये नहीं पता था कि वो यहाँ रात गुजारेंगे,
लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बेहद हॉट सीट है। पूर्व मंत्री कमलनाथ के पुत्र जो है वो यहाँ से चुनाव मैदान में है, लंबा समय हो गया है। यहाँ सर हथियाया जा सके, लंबा समय इसलिए भी हो गया है, भाजपा यहाँ पर लगातार प्रयास करती आई है, अभी भी अभी जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री ने 6 से 7 दौरे कर चुके। इसके अलावा तमाम मंत्री यहाँ मौजूद रह चुके हैं, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय यहाँ की कमान संभाल रहे हैं। अब जो है गृह मंत्री का ये जो दौरा है इसको लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह है। जिस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, भाजपाइयों का कहना है कि लगातार नेताओं के आने से, लगातार बड़े मंत्रियों के आने से, दौरे होने से उनका उत्साह बना है और निश्चित तौर पर ये सीट को हासिल कर लेंगे। प्रतिष्ठा का प्रश्न है भाजपा के लिए ये सीट, इसी से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ गृह मंत्री के रोड शो तो होना ही होना है, साथ में वह यहाँ रात भी रुकेंगे, रात में वो बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, इसके अलावा नेताओं को जीत के लिए टिप्स भी देने वाले हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में। बिल्कुल, देखना होगा कि छिंदवाड़ा का जो रण है वो कितना आसान कितना मुश्किल होगा, और एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम, मिनट टू मिनट रोड शो का वो मैप भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, जीत के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति बना रहे हैं। इस बीच एक ऐसा प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है जिसको देखकर आपको ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ये शख्स भी चुनाव लड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इस अनोखे प्रत्याशी के बारे में। ये है माया रामनट, जिनके पास सिर पर छत के नाम पर जर्जर खंडहर है, संपत्ति के नाम पर चेहरे की झुर्रिया, ना घर ना जमीन ना रोजगार ना नौकरी। ऐसे हालात में फंसे इंसान की सोच का दायरा दो वक्त की रोटी तक सिमट कर रह जाता है, लेकिन माया राम सुअर बेचकर सियासत में लंबी छलांग लगाने निकल पड़े हैं। माया राम अपनी बहू विजय लक्ष्मी को लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं सोचे हूं कि मोर किस्मत खराब है तो एदार 2024 के लोकसभा में मोर मंझली बहू विजय लक्ष्मी सूर्यवंशीला मैं अपना प्रत्याशी बना हूं। जहां एक तरफ सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज होने की जंग में बड़ी से बड़ी पार्टियों के एक से एक धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसी बीच माया राम नट ने सियासी समंदर में अपनी एक जर्जर नाव लहरों से टकराने के लिए छोड़ दी है। इन्होंने सुअर बेचकर जांजगीर लोकसभा सीट से अपनी बहू विजय लक्ष्मी के लिए नामांकन पत्र खरीदा है और सुअर बेचकर ही चुनाव का सारा खर्चा वहन कर रहे हैं। हर समय कुछ भाई मन कर चंदा मांगता हूँ और मोर सुअर बेचता हूँ, और सुअर बेच के मैं हर चुनाव ला, जैसे पहली मैं पंच लड़े, ओकर बाद जिला पंचायत लड़े, ओकर लिए मैं हर की 2009 में लोकसभा लड़े, 2013 में चांपा विधानसभा से लड़े, 2018 में फिर चांपा विधानसभा से लड़े और अभी 2023 में पामगढ़ विधानसभा से चुनाव। जांजगीर चांपा जिले के महंत गांव के रहने वाले माया राम नट घुमतू समाज से हैं। पीढ़ियों से बांस के डांग से कर्तव्य दिखाकर जीवन यापन करते आ रहे हैं। साल 2001 में इन्हें राजनीति के कीड़े ने ऐसा काटा कि तभी से ये लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2001 में इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा और पंच बने, उसके बाद से क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, क्या जिला पंचायत और क्या जनपद का चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं। एक बार अपनी बहू को जनपद पंचायत का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने जीत दर्ज की, अब माया राम बहू को सांसद बनाना चाहते हैं। सर मैं हर 2001 से मैं चुनाव के लड़े के मोला प्रयास हुई से 2001 में मैं वार्ड नंबर 18 के पंच रहे हूँ और जिसने हुई जिसने मोर गाँव के विकास करे हूँ। ओकर बाद मैं एला 2004 में मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से भी लड़े, मोला 133 वोट से कमला पाटलेहर मोला पराजित करी। माया राम गांव गांव घूमकर बांस के डाक से कर्तव्य दिखा रहे हैं, लगे हाथ बहू के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, कर्तव्य के बदले लोगों से इनाम भी लेते हैं। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन दाद दीजिए माया राम नट के हौसले की और दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जांजगीर चांपा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रत्याशियों का लेखा जोखा एडीआर ने जारी किया है। दूसरे चरण की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर कुल 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में कौन कितना अमीर है इसको लेकर एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 80 प्रत्याशियों में से 26 ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। कांग्रेस के संजय शर्मा सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। संजय के पास 232 करोड़ रुपए की संपत्ति है। होशंगाबाद से संजय शर्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं इस बार। और दूसरे अमीर प्रत्याशी की बात की जाए तो रीवा से कांग्रेस की उम्मीदवार नीलम अभय मिश्रा हैं, जिनके पास 34 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बाद बारी आती है सतना से बीजेपी के प्रत्याशी गणेश सिंह, 9 करोड़ रुपए की संपत्ति। दमोह की अगर बात करें तो दमोह से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल भैया के पास सबसे कम 33,000 रुपए की संपत्ति है। अब जरा एडीआर की बात निकली है तो आपराधिक रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। आपराधिक केस की बात करें तो 80 में से 9 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 5 प्रत्याशियों पर गंभीर केस दर्ज हैं। तो इस तरह की ये रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है जो ये बताती है, हर बार ये बताती है किस फेज में किसकी क्या स्थितियां हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे। प्रदूषण के चलते कृषि के लिए मिट्टी उर्वरता शक्ति कमजोर हो रही है। पॉलिथीन के जलाने के चलते ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ रही है। जमीन के नीचे से जल स्तर घट रहा है। सांस और त्वचा संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर का खतरा भी बढ़ा है। पॉलिथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। इसको लेकर रायसेन में वन विभाग के एक रेंजर की अनोखी पहल देखने को मिली। प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपनी सेहत से लेकर शिक्षा तक पर काम करते हैं, तो फिर स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रदूषण को कम करने की ओर एक कदम क्यों नहीं बढ़ाते। सभी को पता है पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जिंदगी संभव है, तो फिर इस पृथ्वी को साफ स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। सोचिए, मार्केट से पॉलिथीन में भरकर सब्जी लाते हैं या फिर दूध की थैली, फिर उस पॉलिथीन को सड़क पर खुले में फेंक देते हैं। कभी सोचा है पर्यावरण के लिए कितना नुकसान है? नहीं ना, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमें इस दिशा में कोई जागरूक करने वाला नहीं होता। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स से मिलाएंगे जिन्होंने पॉलिथीन से पर्यावरण मुक्त कराने की अनोखी पहल की है। ये हैं रायसेन के वनपाल प्रदीप लोधी, जिन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अनोखी पहल की है। और सब्जी दूध वाली थैली, वैसी थैली जो कभी नष्ट नहीं होती, जिनसे मवेशियों की जान को खतरा होता है, वो वन नर्सरी में पौधे तैयार करने हेतु लगाया गया है। हमारी टीम जो है रोज शहर की चाय की दुकानों पर जाके वो पॉलिथीन को कलेक्ट करते हैं, तो फिर उन पॉलिथीनों को हम यहाँ लाके साफ करते हैं, फिर उनको आराम से काटते हैं, सुखा के उनमें हम खाद और मिट्टी भर के उनमें बीज डालते हैं, फिर वो बीज हम उसको नर्सरी पौधा बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो दूध की पॉलिथीन जो नालियों को चौक करेगी वो हम उसका यहाँ यूज कर लेंगे, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। इस पूरे अभियान में अरविंद अहिरवार वन परिक्षेत्र अधिकारी बेगमगंज मार्गदर्शन दे रहे हैं। एक ओर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका ने डिस्पोजल पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास किए, लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली, लेकिन फिर भी ये नाकाफी साबित हुए। ऐसे में इनकी पहल हमें पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनके द्वारा जो पहल की गई है, एक नर्सरी तैयार की है जिसके अंदर नर्सरी में हमें एक्चुअली पॉलीबैग्स यूज़ करने रहते हैं पौधे तैयार करने में, और उन्होंने वो पॉलीबैग्स बाहर से ना खरीद के वो जो वेस्टेज पन्नियाँ जो दूध की और जो फेंक दी जाती हैं उन पन्नियों के द्वारा वो पॉलीबैग तैयार किए जा रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पौधे तैयार होंगे और साथ में उन पन्नियों से जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है और जो वन्य प्राणी या गाय जो पशु उनको खा लेते हैं उनको नुकसान होता है, वो नुकसान भी नहीं होगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसको मुझे लगता है सभी जगह इसको व्यापक स्तर पर फैलाना चाहिए।
वन विभाग की इस पहल की जानकारी लगते ही रायसेन सामान्य वन मंडल के DFO विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और वन परिक्षेत्र के रेंजर अरविंद अहिरवार के द्वारा की गई पहल और कार्य को बारीकी से देखा। वहीं पूरे मामले की DFO विजय कुमार ने भी सराहना की और कहा कि वास्तव में यह एक बहुत अच्छी पहल है जिसे हम अन्य इलाकों में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रायसेन से दिनेश यादव, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।